वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास टेंथ का चैप्टर पढ़े थे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और इससे पिछली जो 4 to 5 क्लासेस थी उसमें जो हमने इसका थ्योरेटिकल चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का वो कंप्लीट पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स का जो है आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसका सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले की जितनी वीडियो है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने जो है एक टेलीग्राम का चैनल भी बनाया, आप चाहे तो उसको भी जो है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं ज़्यादातर वीडियोज़ वगैरह जो इस चैप्टर्स के वो अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ जो PDFs वगैरह है चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैं वहाँ पे जो है अपलोड कर लूँगा, तो आप जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन जो NCERT का है, NCERT इंटेक्स जो क्वेश्चंस है या पीछे जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है NCERT में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। NCERT का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, तो इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस को बनाने में यूज़ नहीं कर सकते हम, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, क्ले। तो क्ले जो मटेरियल है उसका हम जो है यूज़ आपका जो है किसी भी तरीके से ग्लास वगैरह या लेंस वगैरह बनाने में नहीं कर सकते हम, सिर्फ और सिर्फ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह का भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ओनली क्ले का जो है हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज़ ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ इमेज। तो देखिए मैंने आपको जो है 6 रे डायग्राम्स जो है कनकेव मिरर के आपको पढ़ाए थे, उसमें बताया था कनकेव मिरर जो हमेशा वर्चुअल हमेशा रियल एंड इनोवेटेड इमेज फॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ एक केस को छोड़ के, जिसको मैंने कहा था कि ये जो केस होगा आपका हमेशा जो है स्पेशल केस में हम इसको जो है काउंट करेंगे, यानी कि केस नंबर 6 में उसको हम काउंट करेंगे। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जब आपकी इमेज वर्चुअल और रिएक्ट होगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और मिरर के बीच में जो है रखा होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड स्पिंसल फोकस के बीच में जो आपका इमेज को यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है रखा जाएगा। तो इस तरह से हम इसका रे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन में भी आपका जो आंसर डी ही यहाँ पे आंसर होगा। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, थर्ड में पूछा आपसे वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमको जो है कैसी इमेज मिलनी चाहिए, रियल इमेज मिलनी चाहिए, तो रियल इमेज बनाने के लिए हमको जो है देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया आपको एट पिंसल फोकस ऑफ लेंस, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखना चाहिए, एट इन्फिनिटी पे रखना चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड पिंसल फोकस। तो यहाँ पे हमको जो है उसको 2 times ऑफ फोकल लेंथ पे जो है हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, यानी कि 2F पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो जो है आपका किस तरह का इमेज बनाएगा, रियल इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ए स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 cm, द मिरर एंड लेंस लाइकली टू बी, तो मिरर और लेंस बताना आपको क्या होगा। तो देखिए स्पेरिकल मिरर और एक स्पेरिकल लेंस है, दोनों का ही फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ के लिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो दोनों के दोनों ही जो है वो क्या होंगे आपके कनकेव होंगे, यानी कि कनकेव ही इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये आंसर होगा। यहाँ पे दोनों क्या होंगे आपके कनकेव होंगे। जिस बच्चे ने जो है रे डायग्राम्स की पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो वो इसको आसानी से समझ सकता है, साथ ही साथ आपको मैग्नीफिकेशन वगैरह बताया था उसको भी जो है ये बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन एक बार, स्पेरिकल मिरर और थिन स्पेरिकल लेंस जिसका फोकल लेंथ -15 है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ऐसा किस में होता है आपका स्पेरिकल मिरर, दोनों ही कनकेव केस में, और लेंस के अंदर भी जो है आपका कनकेव ही होगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है बोथ कनकेव ही आपका जो है आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में गिवन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर लाइकली टू बी, तो कितनी भी दूरी पे आप जो है खड़े हो तो वो क्या होगा आपका हमेशा एक आपकी इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो आपको बताना है वो किस टाइप का मिरर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर में हमेशा हमको पता है कि इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, बट यहाँ पे हमें जो है बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक करने चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए कनकेव नहीं होता है, कन्वेक्स में भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए कन्वेक्स में भी होता है और प्लेन में भी होता है, तो दोनों ही ऑप्शन हम अगर मैच करें तो आपका जो ऑप्शन डी है वो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों में ही ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में जो आपकी इमेज होती है वो हमेशा जो है इरेक्ट फॉर्म होगी, यानी कि इरेक्ट इमेज आपकी फॉर्म होगी, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें प्लेन मिरर भी है और इसमें कन्वेक्स मिरर भी है,
तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्यों है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। किसी भी डिक्शनरी में आपने देखा होगा स्मॉल लेटर्स में जो है वर्ड्स लिखे होते हैं, तो किस टाइप का जो है आपको जो है वहाँ पे लेंसेज यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला ऑप्शन दिया है एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर की जो वैल्यू होगी आपकी वो 1/f की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू 1/f। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन फॉर्मूला को, पी इज इक्वल टू 1/f, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है जितना ज़्यादा होता जाएगा पावर उतनी ही कम होगी, और फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल 5 सेंटीमीटर। तो हमने देखिए यहाँ पे आपको बताया था जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो किसी भी ठीक है छोटे ऑब्जेक्ट की जो है इनलार्ज इमेज हमेशा फॉर्म करेगा। अब ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, लेकिन कन्वेक्स लेंस में भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 है ये यूज़ करेंगे, या कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी पढ़ाया पावर इज इक्वल टू 1/f, तो इन्वर्स करने पे पावर की वैल्यू, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो वहीं यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ही आपका जो है आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी हमने जो है सोल्व कर लिया। मूव करेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने आपको यहाँ पे आपको देखिए बताया वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है वो आपको बतानी है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज वो बताना है आपको, इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ करना है आपको रे डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन है कि आपको एक कनकेव मिरर आपको गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और आपको जो है इरेक्ट इमेज यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो अभी पढ़ा है आपको स्पेशल केस में ही आपको जो है इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, अदरवाइज आपकी जो सारी इमेजेज है वो आपकी जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है कनकेव मिरर के अंदर फॉर्म होती है। तो इसके लिए हम फिर से रे डायग्राम नंबर 6 ड्रॉ करेंगे जो मैंने स्पेशल केस में आपको बताया था। तो उसको जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है आपको पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए ये फोकस की मैंने आपको दिस इज़ पोल, तो पोल और फोकस के बीच में जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ए बी ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम कंसीडर करते हुए पोल से पास कराएंगे, और एक ऑब्जेक्ट जो है आपका एक रे लाइट जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, इसकी इमेज जो है आपकी इरेक्ट इमेज फॉर्म करेंगे जो कि बिहाइंड द मिरर आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो वही एक्सप्लेन किया है, एक कनकेव मिरर गिव इरेक्ट इमेज when the object is placed between focus and pole of the concave mirror between 0 and 15 cm हम जो है इमेज को यानी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे, द इमेज दस फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आपकी जो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो ये समझ में आया होगा आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्यों है, इन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो देखिए पिछली क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, बस यहाँ पे क्या आपसे सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन आपसे जो है किस टाइप की फॉर्म होगी वो आपसे पूछी है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ की बने, कितने सेंटीमीटर अवे रखा है हमने कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले देखिएगा एफ की वैल्यू आपको गिवन है, फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू होगा वो आपका नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे 5 सेंटीमीटर, और इसमें जो है इसका सबसे पहले हम लोग जो है पहले वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वी सोल्व करेंगे तो इधर ये वैल्यू प्लस और इधर ले जाके माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। ये देखिए यहाँ पे इसको जो है सोल्व करेंगे, इसकी जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे इसको हम सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपकी आएगी 15/3 यानी कि 16.6 सेंटीमीटर। अब देखिए
लेंथ गिवन था, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट गिवन थी वो 5 सेंटीमीटर थी, जबकि उसका जो इमेज का जो डिस्टेंस हमें यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया है ये आपका जो है 16 सेंटीमीटर यहाँ पे मिला है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना है 16.6 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस 16.6। तो हम सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और यहाँ हम इमेज फॉर्म कर देंगे। इमेज को जो ऑब्जेक्ट को जो है 2f से बियॉन्ड हम रखेंगे। इसको हम जो है चाहे तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके भी बना सकते हैं, जैसे m बराबर v बाई यू या hi बाई एच ओ गिवन होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए m की वैल्यू के लिए, v की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे v 15/3, u की वैल्यू 25। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे h हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, hi हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 10/3 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, इमेज बनी है 3.3, तो आपका जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी। और स्मॉलर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को 2f से जो है पीछे की तरफ रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसको हमेशा हम एंड ऑफ द क्वेश्चन में हमेशा हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अगर हम पहले ड्रॉ कर देते हैं तो वो माइट भी जो है गलत हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कोरिलेशन देखेंगे हम जो है इसमें वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि आपका जो है इमेज डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू 16.66 आएगी। फिर हम जो है एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि आपका हाइट ऑफ इमेज आपका यहाँ पे फाइंड करेंगे तो -33 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो है अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन 1 से पीछे रखेंगे, यानी कि द इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, मैंने बताया था रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, आप इससे जो है शो कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 11 आपका यहाँ पे आपको गिवन है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से कितनी दूर जो है आपके इमेज फॉर्म होगी वो आपको फाइंड करना है और रे डायग्राम फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और इमेज फॉर्म कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर से कितने डिस्टेंस दूर पे बनी है वो। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू देखिए मैंने बताया था नेगेटिव होता है हमेशा कनकेव लेंस के लिए, वी की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव होगी कनकेव लेंस के लिए, यानी कि इमेज फॉर्मेशन नेगेटिव होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/f लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u, ये आपको जो है मैंने बताया था जो लेंस फॉर्मूला होता है उसमें नेगेटिव साइन आपका आएगा। तो 1/f 1/v -1/u, जैसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1/-1/10 -1/-1/15 -- एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आपकी आएगी -150/5 यानी कि 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट देखिए फोकल लेंथ से पीछे की तरफ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ यहाँ मान लीजिए 15, ये 30, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो रे डायग्राम के लिए हमने जो है ए बी ऑब्जेक्ट लिया, उससे रे स्ट्रेट कंसीडर करी तो यहाँ पे जो है टकरा के वापस चली जाएगी, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, और एक ले हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो आपकी जो है ऑब्जेक्ट की लार्जर ऑब्जेक्ट की स्मॉलर इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी जो है रे डायग्राम आसानी से बना पाएंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया 30 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। चलिए तो मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको गिवन है कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। तो 1/f 1/u +1/e, क्योंकि यहाँ पे मिरर गिवन है मिरर में प्लस का साइन आएगा। तो 1/v की वैल्यू फाइंड कीजिए, 1/f -1/u, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो है आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे, ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इमेज यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगी। और किस टाइप की आपका जो है इमेज बनती है, यहाँ पे हमने पढ़ाया था कन्वेक्स मिरर के हमेशा अंदर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे हमेशा बनेगी, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। चलिए ये समझ में आया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए 14 क्वेश्चन में आपको गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर
ऑफ रेडियस ऑफ कन्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज आपसे जो है पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि आपको जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको जो है 5 सेंटीमीटर प्लस में कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको जो है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे एफ इजिकल टू आर बाई टू, और फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर में होती है वो पॉजिटिव होगी, तो आर अपॉन टू हो, यानी कि 30/2 कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f, 1/u प्लस 1/v। इसमें v की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 1/f माइनस 1/u, 1/15 माइनस 1/1/20 माइनस माइनस प्लस होगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, v की वैल्यू आएगी 8.57। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, इमेज आपकी 8.5 सेंटीमीटर दूर जो है आपकी बन रही है। यहाँ पे एक बार मैग्नीफिकेशन और कैलकुलेट कर लीजिए, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ से इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लीजिए, माइनस वी बाई यू के और एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू इसको जो है कोरिलेट कर दीजिए। तो एच आई की जो वैल्यू होगी हाइट ऑफ इमेज होगी माइनस 5, 8.5 से माइनस 20, तो 2.16 होगी। तो 2.16 मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो V की असाइन देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं, V पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी। हाइट जो है आपकी 2.16 5 सेंटीमीटर से कम है तो इमेज भी आपकी जो है डिमिनिश इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, यानी कि स्मॉलर इमेज जो है आपकी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, यानी कि बन जाएगी आपकी स्मॉलर इमेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जो है सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो डैट ए शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन अब आपका जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है कनकेव मिरर के अंदर। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f, 1/v प्लस 1/u, क्योंकि आपका जो है मिरर है। तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/f माइनस 1/u, 1/-1/18 माइनस 1/-27 माइनस माइनस प्लस। फिर से एलसीएम लेंगे, v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 54। बाकी फॉर्मूला मैंने बताई दिया, यहाँ पे 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v आपका जो है फॉर्मूला होगा। तो फोकल लेंथ का रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, तो एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज माइनस एच ओ वी बाई यू से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था या हाइट थी वो 7 सेंटीमीटर, और आपके हाइट ऑफ इमेज जो है 14 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो एच आई की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इमेज इनलार्ज है, और वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो इमेज जो है इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे वी नेगेटिव है, इमेज जो है रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सोल्व कर लेंगे, या इसको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिएगा और दोबारा से, एच आई की वैल्यू एच ओ से ज़्यादा है, इमेज इनलार्ज होगी, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इमेज जो है इन्वर्टेड भी होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस 2.0 डायोप्टर, यानी कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है जिसमें लेंस की आपको जो है पावर गिवन है, और किस टाइप का लेंस है ये भी आपको जो है बताना है। तो देखिए रिलेशन अभी पढ़ाया, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ निकालना पड़े तो 1/p कर दीजिए, बट ये आपका जो है मीटर में आपका इसका आंसर आएगा। तो फोकल लेंथ आपको डायोप्टर में पावर गिवन है -2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1/2 मीटर। तो -1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे हम लोग, तो 100 से मल्टीप्लाई 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पावर कैसे गिवन है, नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव पावर जो है किस में होती है, कनकेव लेंस के अंदर आपकी जो है नेगेटिव पावर हमेशा से होती है। तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो पावर जो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, या आप चाहें तो पावर से भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव है -2 डायोप्टर है, तो ये आपका कैसा लेंस होगा, कनकेव लेंस यहाँ पे आपका जो है फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का,
ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो देखिए बिल्कुल सिंपल पिछला जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है। पावर आपको 1.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ हम फाइंड करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 अपॉन पी, तो 100 अपॉन 1.5 डेसिमल से फ्रैक्शन कीजिए इसको और सोल्व कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 66.67 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इसको जो है यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे ये आपका आंसर आएगा 0.67 मीटर जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आई, पॉजिटिव में आई है, तो प्लस का मतलब कैसा है, वो कन्वेक्स लेंस है, यानी कि वो जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो हम कह सकते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है और वो जो है कन्वर्जिंग लेंस भी होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास में हमने लगभग जो अपने सभी न्यूमेरिकल्स को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर लगभग मैंने जो है आपका कंप्लीट करा दिया है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।